हे गाइस, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मतलब क्या? इन्फॉर्मेटिव वीडियो मतलब हमारा ग्रेजुएशन से लेके मास्टर तक का सफ़र और क्या क्या दिक्कतें आईं और कैसा क्या क्या क्राइटेरिया रहा और क्या डॉक्यूमेंट लगे हमको, ये सब हम आपको इसमें बताएंगे। तो पहले अब हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारा लोकेशन, हमारा आज का व्यू। तो ये है एक फार्म जैसी जगह है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये पूरा फार्म है और यहाँ पे घोड़े वगैरह भी है कुछ वहाँ है एंड थोड़ा पीछे की साइड भी है। एंड जो इस साइड में है, जो ललित दिखा रहा है आपको, इस साइड में जो है ये पूरा हाईवे है, पूरा हाईवे है ये। एंड हाईवे की जस्ट इस पार जो कि ये अपोजिट साइड में यहाँ पे घर है, ये मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, लाइक रो हाउस काइंड ऑफ थिंग्स है और यहाँ पे ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने हमारी ग्रेजुएशन की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से। उसके बाद हमने वो कुछ 3 साल का था हमारा। उसके बाद हमने मास्टर्स के लिए हमने प्लान बनाया कि हमें मास्टर्स करना है। तो सबसे पहले जो हमारा था वो था यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। तो हमने 5 या 6 यूनिवर्सिटी देखी, उसमें अप्लाई किया पर यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन ना हमको बेस्ट लगी उसमें। और ये कुछ 100 टॉप 10 यूनिवर्सिटी में भी आती है। हाँ, लिंकन यूनिवर्सिटी आती है टॉप 10 में। एंड फिर हमने सारी क्राइटेरियाज वगैरह देखने के बाद हमें ऐसा डिसाइड किया कि लिंकन इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर आवर मास्टर्स, इसलिए फिर हमने यहाँ पे मास्टर्स के लिए हमारे अप्लाई किया। हाँ, तो पहला जो प्रोसेस है वो है कंडीशनल लेटर का। तो जब पहला प्रोसेस आता है वो है कंडीशनल लेटर का। कंडीशनल में आपको कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि आपका SOP, पासिंग सर्टिफिकेट एंड आपकी एग्ज़ाम में आप IELTS और आपका SOP में जो रहता है SOP वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि मतलब आपका क्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहेगा, आपको ये सारी चीज़ें पूरी लिखनी होती है। उसमें अबाउट 700 वर्ड्स में लिखना होता है, तो हमने वो लिखा था। और जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया ना, वहीं से आपका जो फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट रहता है वो वहाँ लगता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, फाइनली जब हमारा कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, जिसमें हम उसमें की सारी कंडीशंस कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि SOP और ललित ने बताई वो सब। एंड सेकंड प्रोसीजर जो होता है वो है अनकंडीशनल ऑफर लेटर का। अब अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आपके पास आती है स्टूडेंट ID, उसमें जो भी आपके नेक्स्ट सारे प्रोसीजर्स होंगे वो सारे स्टूडेंट ID में दिखते हैं। तो स्टूडेंट ID में आपको बाकी की डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करनी पड़ती है, जैसे 12th पासिंग सर्टिफिकेट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट और आपका वीज़ा के वगैरह, सॉरी वीज़ा नहीं, पासपोर्ट वगैरह सबमिट करना पड़ता है। हाँ, और अनकंडीशनल लेटर में आपका मेंशन रहता है आपका फीस स्ट्रक्चर के बाद आपकी स्टूडेंट ID और उसमें रहता है आपको क्या कितनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड हुई है। ऐसे इंडियन स्कॉलरशिप रहती है कुछ 2 लाख समथिंग की, अगर 2 लाख 5 लाख ऐसे होती है। 5 लाख में आपको ना इंटरव्यू देना होता है और 50% में भी आपको इंटरव्यू देना होता है। हाँ, किसी की स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट 50% हो जाती है। तो हम लोगों की जो थी वो 5 लाख की थी। हमें इंटरव्यू देना पड़ा था। हाँ, वो पास होने के बाद आपको आप कैश के लिए अप्लाई करते हैं। तो
गाइस फाइनली अब ये सारी प्रोसीजर होने के बाद आती है बारी आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, जो है कैश लेटर। कैश लेटर यानी CAS, दैट इज कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, जो कि वीज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कैश लेटर में आपका पूरा स्कॉलरशिप, आपकी आईडी, आपका कोड वगैरह सब उसमें मेंशन रहता है। यूनिवर्सिटी आपका मीन्स आपका पूरा 100% आपका जो तो हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए जो मैं अभी मेंशन करने वाली हूँ, दैट इज़ इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है। दैट इज़ हमने जो पहला इंस्टॉलमेंट भरा था वो कैश लेटर से पहले भरना पड़ता है, ताकि आपके कैश लेटर में वो लिख के आए कि यू हैव पेड अ पर्टिकुलर अमाउंट, दैट इज़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमने भरी थी वॉज 2,000 pounds, दैट इज़ 2 lakh rupees और समथिंग एक्स्ट्रा। कैश के पहले भरना ही पड़ती है, उसके बाद ही आपका कैश। ऐसे होता है ना कि किसी चीज़ के लिए कन्फर्मेशन चाहिए होता है, तो दैट इज़ द थिंग एज अ डिपॉजिट, हाँ वो भरना होता है। और उसके बाद आपका आता है ट्यूबरक्लोसिस, मतलब टीबी टेस्ट। हाँ, वो बहुत जरूरी है, वो करना होता है। तो मेरा जो था वो मेरे को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिला नहीं आसपास, तो मैंने अपना लिया था नागपुर। तो क्योंकि मेरे को नागपुर पास में था, तो नागपुर में मैंने अपॉइंटमेंट लिया, और वो ना 10 दिन पहले लेना पड़ता है और वहाँ पर टाइम से पहुँचना पड़ता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि टीबी टेस्ट के लिए कुछ सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स ही है जो यूके ऑथराइज्ड है, तो फिर उसमें ही आपको उन्हीं हॉस्पिटल से टेस्ट करानी पड़ती है जो कि यहाँ पे वैलिड होती है। अदर देन दैट अगर आप कहीं कराते हो तो फिर वो वैलिड नहीं मानी जाती। एंड टीबी टेस्ट हमें वीज़ा के टाइम पे बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कैश लेटर तक जब आपकी प्रोसीजर हो जाती है तब आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका है आपका, एंड देन बाकी ये सारी प्रोसीजर स्टार्ट होती है। और उसमें ना आपका नाम वगैरह सब सही रहना चाहिए जो पासपोर्ट पे है। हाँ, क्योंकि वो बहुत मैटर्स करता है। एंड आपका नाम हमेशा हर जगह डबल चेक करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। एंड जो सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स है ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के लिए, उनकी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो हम हमारे लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अब सारी प्रोसीजर्स होने के बाद बारी आती है वीजा की। तो वीजा के बारे में आप ललित बताएं। हाँ, वीजा में क्या होता है ना, आपकी तीन टाइप के रहते हैं, एक तो स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी। मैंने जो किया था वो ना प्रायोरिटी था, उसमें आपको 7 days में आपका वीज़ा आ जाता है, और स्टैंडर्ड में आपको 20 to 30 days लगते हैं, और जो सुपर प्रायोरिटी है उसमें 24 hours के अंदर ही आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है। अगर आपकी सारी चीज़ें वैलिड है और आप वो क्राइटेरिया पार कर जाते हैं तो। सो गाइज, अभी हमने आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वीज़ा के बारे में बताई है, बट अगर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसकी प्रोसीजर ऐसी है कि आपको उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जो कि ऑलमोस्ट 6 to 7 pages का फॉर्म होता है। एंड वो फॉर्म भरने के बाद आपको एक शेड्यूल डेट और टाइम आता है कि आपका कब वीज़ा का अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें, और बेसिकली वो फॉर्म में डीप डिटेल में हर चीज़ पूछी जाती है, लाइक एक स्मॉल से स्मॉल चीज़ भी पूछी जाती है, आपका नाम, अभी कहाँ रह रहे हो, पहले कहाँ रह रहे थे, कितने टाइम से रह रहे हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपका कुछ है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। और अच्छे से पढ़े और अच्छे से पूरा फॉर्म भरे। एंड सेकेंड थिंग, वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट जब लेनी पड़ती है तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम का भी शेड्यूल आता है, एंड टाइम के हिसाब से आपको हाँ, पूछना पड़ता है, नहीं तो वो लेते नहीं हो, फिर आपका बहुत डिले हो जाएगा। हाँ, तो वीज़ा में आपको ना वीज़ा में आपको बायोमेट्रिक आपका लेते हैं वो, तो बायोमेट्रिक में जो आपकी साइन जो पासपोर्ट पे है वही साइन आपको वहाँ पर करना होती है, आप दूसरी नहीं कर सकते। आपको कुछ चांसेस देते हैं वो, 5-6 चांसेस देते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट करने अगर आपको याद नहीं होगी तो, कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा। एंड उसके बाद आपको ऑल्सो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे सबमिट करने होते हैं कि आपको क्या क्या लगता है कि वीज़ा के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका कंडीशनल लेटर, अनकंडीशनल लेटर, कैश लेटर, आपका ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट, आपका एक्सरे भी उसके साथ जो आता है टीबी का, वो
एंड उसके साथ 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, ये सब आपको सबमिट करना पड़ता है. एंड आपको आपके जहाँ पे भी डिलीवरी चाहिए आपके पासपोर्ट की, आपको वो एड्रेस भी उस पासपोर्ट पे लिखना पड़ता है. एंड डन, योर जॉब इज डन. फिर उसके बाद आप अपना वीजा का वेट करिए एंड शॉपिंग करिए. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ आधे घंटे में आपका पूरा काम हो जाता है. हाँ, अब फाइनली जैसे कि ऑलमोस्ट 80% भी आपकी प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है, तो बस बचता है अभी दो तीन ही चीज़ें, जो कि है शॉपिंग. शॉपिंग के लिए अगर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए जो कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्या नेसेसरी है और इतने कम वेटेज में क्या क्या लाना है, अगर आपको वो सब चीज़ों का भी वीडियो चाहिए तो हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार है. एंड सेकेंड थिंग, आपको बिफोर बोर्डिंग योर फ्लाइट उससे दो तीन दिन पहले, दो दिन पहले आई गेस, RT-PCR टेस्ट करानी पड़ती है बिकॉज ऑफ कोविड, जो हमने अभी कराई थी, एंड इट शुड बी नेगेटिव. एंड उसके बाद आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म एंड वेब चेक इन करना तो ज़रूरी होता है, उसके बिना आप फ्लाइट पर जा नहीं सकते हैं. सो फाइनली यू आर रेडी टू गो, सॉरी, कम टू UK. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुडेज व्लॉग. Please like, share, comment and subscribe our channel. And also we are on Instagram officially. So we'll share the link down somewhere. Lalita Neha Vlogs. Yeah. On Instagram. Chalo, okay, bye. Thank you.